हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया होंगे इंशाल्लाह। चलो, एक फ़ोन आया है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 है। उसमें FRP लगा है, शायद ऊपर का LCD वर्क नहीं कर रहा है। देखते हैं कैसे रिमूव करना है। चलो लैपटॉप पे चलते हैं, ओपन करते हैं सेम FRP। केबल कनेक्ट करते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर लिया है मैंने ऑलरेडी। FRP पे क्लिक किया, करते हैं वाईफाई कनेक्ट, ना कनेक्ट है, फेल। अगेन कनेक्ट करते हैं, फेल। चलो एक बार फिर से ओपन करते हैं, आता है कभी कभी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमको आना चाहिए। चलो क्रोम में जाते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा है। EFRP.me ये ऊपर का टच उसका वर्किंग नहीं कर रहा है। सेटिंग में जाते हैं, वर्जन देखते हैं। एंड्रॉइड 9 है। चलो पिन लगाने की ट्राई करते हैं, वरना ये स्विच से होएगा। ये भी वर्क नहीं कर रहा है। चलो एक बार वो डाउनलोड करते हैं, क्या बोलते हैं, वो सैमसंग अकाउंट के अंदर से। इससे तो हो ही जाएगा। तो फिर भी ट्राई करते हैं, स्क्रीन लॉक नॉट वर्किंग। ये भी वर्क नहीं कर रहा है। चलो इसको ओपन करके ट्राई करते हैं। पासवर्ड डाल दिया,
इसका कोड आएगा। इंस्टॉल होने देना है। यहाँ पे टाइप करते हैं स्क्रीन लॉक। अब ये देखना है कि वर्क कर रहा है कि नहीं। फिनिश लॉक निकाल देते हैं। अगर ये डाउनलोड करने के बाद काम नहीं करता तो हम लोग एंड्रॉइड 11 वाला भी ट्राई कर सकते थे, या फिर स्विच अकाउंट से भी ट्राई कर लेते। एंड्रॉइड 9 है, स्विच वाला भी हो जाता 100%। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इसमें से मैं अपना गूगल अकाउंट रिमूव करता हूँ। चलो वो तो मैं निकाल लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।